कि जब आप लोगों पर बात आती है और कहा जाता है कि वो भ्रष्टाचारी है और अभी थोड़े दिन पहले एक पवन खेड़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था उसमें कायदा एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी और उसमें नाम डाले जा रहे थे अगर वो लोग आपके साथ आ जाते हैं तो वो फिर भ्रष्टाचारी नहीं है द प्रॉब्लम इज़ दिस नोब इज संग कि कोई क्लीन है लेकिन आपके साथ आके क्लीन हो जाते हैं इस पर प्रॉब्लम है आप no. जो बात कहना चाह रहे मैं समझ रही हूँ बात को लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जब हमारे साथ कोई है तो वो अच्छा हो गया धुल गया अच्छा हो गया वो भ्रष्टाचारी नहीं रहा अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं रहे उसके बाद और भी जितने लोगों को देख लीजिए हर कोई वो अशोक चौहान जिनके ऊपर आप लोगों ने मुझे याद है दस साल पहले आदर्श घोटाला कितना बड़ा उसकी बात हुई थी। तो प्रॉब्लम ये है अनुराग जी और बहुत बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना कि मैं बहुत ही तरीके से यह बात आपको पूछना चाह रही हूं और यह क्लैरिटी भी होनी चाहिए नहीं, देश में को भी। है, तरीका क्यों नहीं, नहीं, तरीका कोई नहीं ढूंढ रही मैं क्लैरिटी चाह रही हूं शायद आपने तरीका मैं, को क्लैरिटी को हाँ, नहीं मैं, समझा क्लैरिटी दे देता हूँ थोड़ी कि, सी वो आपके साथ आते हैं तो उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है और वो अपोजिशन में रहते हैं तो उनका भ्रष्टाचार है बहुत आसान उत्तर है जब कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो राहुल गांधी जी ने जिता दिया जब हार जाए तो ईवीएम ने हरा दिया अगर राहुल गांधी जी को कोर्ट से बेल मिल जाए तो लोकतंत्र की और राहुल गांधी जी की जीत है अगर जेल में भेज दें या समन कर लें तो न्यायालय पर चिन्ह खड़ा हो जाता है यही नहीं अगर संजय सिंह जेल में जाए तो ईडी बदनाम हो जाती है अगर ईडी बेल का विरोध ना करे तो ईडी को कोई नहीं कहता कि हाँ उसने बेल का विरोध नहीं किया ये तो देखिए चित भी मेरी पट भी मेरी ऐसा नहीं चलता अनुराधा जी देश की जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं आखिरकार उनको उनका काम करने देना चाहिए कोर्ट सबूत मांगता है और सबूत जुटाकर जब वहां पर जाते हैं आज एक नहीं अनेक नेता जेल में भी हैं मैं आज के युवा वर्ग से पूछना चाहता हूं क्या हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? देखना चाहते नहीं भ्रष्टाचारी धुले हुए देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते मेरा सवाल भ्रष्टाचारी धुले हुए देखना चाहते हैं कि आपने अशोक चौहान की बात नहीं की और आपने और तमाम लोगों की बात नहीं की लेकिन मेरा चलिए इस पर आपको मुझे पता है कि बहुत बातें होती हैं आप शायद उसको नहीं बोल पाएंगे अनुराग जी नहीं नहीं मैं सब लेकिन, कुछ बोलता। लेकिन मेरा वही सवाल है कि आप बताइए तो सही ना कि उनको किस तरीके से हम लोग देखें मीडिया उनको भ्रष्टाचारी की तरह से देखे, जो इतने साल आप लोगों ने उनके बारे में बोला या आज उनको भ्रष्टाचार से वो बिल्कुल भ्रष्टाचारी नहीं है इस तरीके से नहीं देखिए आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए आप ये काम न्यायालय को करने दीजिए देश में जांच एजेंसियों को करने दीजिए जांच एजेंसियां जांच करती हैं सबूत पेश करती हैं न्यायालय में और न्यायालय उस पर अपना वर्डिक्ट देता है कि किसको जेल होगी किसको बेल होगी इसलिए मुझे लगता है हमें वहीं पर रुकना चाहिए जहाँ पर आपका काम और मेरा काम है बाकी काम जांच एजेंसी और न्यायालय का है जो इस देश के प्रक्रिया है हमें उसको आगे बढ़ने देना चाहिए ना इसमें कुछ मेरा व्यक्तिगत है ना आपका कुछ व्यक्तिगत है लेकिन अगर किसी ने देश का पैसा खाया है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा इस बात का सुनिश्चित मैं करना चाहता हूं इंक्लूडिंग जो लोग आपकी सर आपकी पार्टी में आ गए मैं है। कहता हूं मेरा तेरा कुछ नहीं जिसने भारत का पैसा खाया है उसको आज नहीं तो कल जेल जाना ही पड़ेगा इस बात को सुनिश्चित करेंगे और मैं आपको एक बात और कहूं ये जो लोग जांच एजेंसियों से घबरा के पेश नहीं होते नौ नौ बार समन देकर नहीं आते कोई बाकी वापस नहीं आता आप याद करिए जिन्होंने 60 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने आज वही संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं लेकिन जब इनके समझ जाते थे नरेंद्र मोदी जी को तो मोदी जी पेश हुए अमित शाह जी पेश हुए और बाहर आकर कहा भाई मैं चाहे मुख्यमंत्री के पद पर मुझे जाना है तो मैं अपने न्यायालयों का मैं सम्मान करता हूं भारतीय प्रक्रिया है इस पर मैं जाता हूं कोई नई बात नहीं है अगर मोदी जी मुख्यमंत्री बन आज से बीस साल पहले जा सकते थे तो आज बाकियों को जाने में कहां दिक्कत है उनके ऊपर तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप थोड़ी था वो तो फर्जी मुकदमे उस समय लाद दिए गए थे जिसमें एक के बाद दूसरे पे पाक साफ होकर बाहर आए इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर हम अपने देश के सिस्टम प्रश्न प्रशंसन खड़ा कर देंगे कौन सा दुनिया का देश है जहां पर लगभग निन्यानवे करोड़ वोटर्स हों और एक ही दिन में कुछ घंटों के अंदर आपके सामने रिजल्ट आ जाए वो ताकत किसी लोकतंत्र में है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में है उसका क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए हमने अपने पे ऐसे सिस्टम्स क्रिएट किए हैं कि पारदर्शी आज वोटिंग होती है वो लालू प्रसाद यादव जी का जमाना चले गया कि बम धमाके होके बैलेट बॉक्स लेके लोग भाग जाते थे आज तो नहीं कोई ऐसा देखने को मिलता है अच्छा एक बात बताइए अब चलिए ये बातें मुझे भी पता है कि आप कहां तक... पर आप बताइए ऐसा होता था कि नहीं होता था आप तो बिहार से आती है बिल्कुल होता था जो चीज अच्छी है वो अच्छी है उसे ये अच्छी तो बैलेट बैलेट बॉक्स, ले भागना। <laughs> बैलेट आ, अच्छा बॉक्स लेके भागना अच्छा बदलाव हुआ है, नहीं नहीं नहीं। है। लेकिन